पर्दा होता है उसके पीछे जाकर करने वाले जाने की तैयारी करते हैं और सामने बैठी बैठी जनता देखती है। तो इस पर्दा के खुलने में देर हो तो उन्हें कितनी आवश्यकता होती है। सबकी निगाह में इसका तिरस्कार होता है, क्या भीड़ में आ गया, क्या भीड़ में आ गया। इसलिए इसका नाम बड़ा तिरस्कार, दर्शन का नाम तिरस्कार क्यों पड़ा? हजारों आदमी के दिमाग में ये आता है कि एकदम तिरस्कार का भाव आता है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, हमें ऐसे काम है, भोजन रकम देते हैं, एक पर्दे को देखते हैं, किसी को ही नहीं आता कितना ही बढ़िया पर्दा हो। आता रामचंद्र ने इस समय साल को नाटक का रूप दिया और इसी के आधार बनाकर बनासी दास ने नाटक समय साल लिखा। तो नाटक में एक पर्दा होता है, पर्दे के पीछे जो प्रोग्राम दिखाई देने वाला है उसकी सारे जगत को आप होता होगी, सारा जगत उसे देखने के लिए बैठा। इसलिए उस पर्दे को तिरस्कार की निगाह से देखता है, लेकिन पर्दा तो समय पर खुलेगा, दर्शकों की मर्जी के अनुसार नहीं खुल सकता। तो कहते ऐसा ज्ञान रूपी दरिया अंदर में लहरा रहा है और उसके सामने एक पर्दा पड़ा है और पर्दा की वजह से वो हमें दरिया दिखाई देता है, ज्ञान का समुद्र। तो वो जो आवरण है वो उसका नाम रखा है तिरस्करणी। तो कब खत्म हो, आवरण खत्म हो, आवरण खत्म हो जाते हैं और कदाचित पीछे बहुत बढ़िया दृश्य है और वो पर्दा हट जाए तो क्या आनंद आ जाता है, आनंद का दरिया। तो कहते पर्दा हट जाए और भगवान आत्मा दरिया ज्ञान का दरिया अंदर समुद्र लहरा रहा है वो दिखाई दे जाए तो आनंद आनंद हो जाए। पूरी कह रहे हैं आचार्य कि वो मेरा पर्दा हट गया है और वो मुझे दे गया राज की ओर में बाहर होता है, सामने बाहर है, अपनी आंख से देखने में समर्थ है लेकिन आंख कह दो उन्हें दिखाई देता है थोड़ी कणिका होती है उस कणिका के सामने इतना सा यदि कोई वो आ जाए काला धब्बा काला मोतियां तो कितना सब कुछ नहीं देता है, उसे देखने की ताकत है तो उसका पर्दा पड़ा। ऐसा नहीं इतना पर्दा हटेगा तो इतना देगा। तो वो कहते हैं मेरे मेरे ज्ञान का वो पर्दा हट गया, सारा दरिया ज्ञान का मुझे दिखाई देता है, मैं सारे जगत को आमंत्रण देता हूं कि आओ तुम इसमें ना हो। तो वो मेरा सारे जगत को आमंत्रण दे रहे हैं। देखो मैं क्या अर्थ पढ़ता हूं तो आपको ख्याल में आएगा, यह ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा विभ्रम रूपी आधी चादर को समूलतया डुबो कर स्वयं सर्वांग प्रकट हुआ, इसलिए अब समस्त लोग उसके शांत रस में एक साथ ही अत्यंत मग्न हो जाओ। शांत रस में समस्त लोग मगन हो जाओ क्योंकि ये किसान से उसका दरिया हो सकता है।
रोमन रोमन माने डुबकी लगाओ। हे जगत के जीवो, तुम इसमें डूब कर डुबकी लगाओ तो आमंत्रण दे रहे। गुरुदेव ऐसा प्रयोग वातावरण में एक बार जरूर कहते थे, पर उनकी पंच दशिका में जो दाना निकाल है, तो दाना निकाल में एक छंद आता है, एक कौवा है, अपना ही भोज किया गया हो, नहीं मतलब डिश्नियो बनाया हो और अंदर से नीचे को डर जाता है ना, तो डरे हुए भाग में उसको खुरचन बोलते हैं, तो खुरचन निकाले और बाहर फेंक दे, तो उस खुरचन को गंगा गाँव गाँव करके बहुत कौओं को जोड़कर बुलाकर और सबको एक साथ खाता है अकेला नहीं खाता। यदि तेरे पास वो खुरचन जुड़ गई हो और यदि तुम अकेला खाएगा तो कौओं में से भी जाएगा। वो आता कहते मेरे को आनंद का दरिया अंदर मर रहा है, मैं सारे जगत को निमंत्रण दे रहा हूँ कि वो आकर इसमें मेरे साथ रहो। लेकिन मैं इसका जो प्रचार वाला को सुनाता हूँ कि कसों का मुझे पूरा प्रचार वाला दिया अर्जुन भाई अलग से, तो वो देखो पढ़ता हूँ मैं। सुख शांत रस से लावे यह ज्ञान सागर आत्मा, विभन में की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा, हे भाव जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, हर इसे ही अपनाइए इसमें मगन हो जाइए। आप में की जो की बहुत प्रसिद्ध जिसे बोलते हैं नव काल की नाम ना, गुजरात के लोग तो सब जानते हैं, हिंदी वाला भी इन लोगों मैंने बता दिया होगा, अपने लोग जानते हो। नवकाश की का अर्थ यह होता है कि जब कोई किसी के अमल भोजन के लिए सारे लोगों को बनाना चाहता है, संपूर्ण जनों का एक साथ भोजन कराना चाहता है, तो सारी किस्तें भी अपने पास नहीं होती हैं, एक एक को निरंतर कार्ड भेजा जाए ये भी संभव नहीं होता है, तो चौराहों पर बाजार में ऐसे बोर्ड लगा दिए जाते हैं कि हमने नवकाश करने का विचार किया है, तो सभी लोग हमारे यहाँ भोजन करने पढ़ाए। मुख में नमोकार मंत्र है, बेटा दिगंबर हो श्वेतांबर हो भारतवासी हो मूर्ति हो जैन मूर्ति हो कोई भेद नहीं है, तो नमोकार मंत्र जिनके मुख में है उन सबको हमारा निमंत्रण है, और हजारों लाखों लोग आ जाते हैं, अपार भोजन बनाया जाता है बाजार में और उसमें का इंतजाम किया जाता है, तो उसको बोलते हैं नवकाश। जो कारण दिया गया है भूल जाए निवेदन है कारण साथ में लाए, यदि नहीं लाए तो दरवाजे पे हो सके आपको रोक दिया जाएगा। ऐसा नहीं वो नवकाश ही बोलते आज आप यहाँ नवकाश ही कर रहे क्या एक साथ नहाए आ जाओ सारे लोग, तो छवी में सहलवाने की पकेंगे तुम सारे लोग, हम तो सबको निमंत्रण देते हैं, हम कितने आएंगे और कितने नहीं आएंगे उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने तो पक्षपात से रहित होकर सारे लोग को इसका आमंत्रण अभी तक तो एक बंदे भी अमेरिका में नहीं बन पाया दूसरे देश को, कम से कम 15 मंदिरों की परिक्रमा हिंदुस्तान में गया हूँ, सब कमाई थी काशी की याद कराता हूँ।
कि जिसके भूमि लोग और महामंत्र उसका ये बन रहे हैं। एक मूर्ति भगवान मूर्ति श्रद्धा में रखी जाती है, दूसरी जगह में रखी जाती है, तो बीच में नौ का मंदिर रखा जाता है। ये कारण का शुरू का एक अपराध ही हो भैया सेठियों की नमकासी तो तुम्हें हजारों बार की नहीं होगी, आज एक पंडित नमकासी दे रहा है तो सारे लोग सारे प्रेमी आकर कुंजकुंजा गाय की भगवान महावीर की वाणी में जो तत्व ज्ञान आया है, कुछ कुछ श्री के माध्यम से जो उनको प्राप्त हुआ है उसको आगे एक साथ सत्ताईस साल ब्रह्मा कभी कभी सोचता हूँ कहता हूँ देखो बहुत गंभीरता से सोचने की बात है। सारे हिंदुस्तान में 1 अरब लोग हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार जैनी है, माने जाते हैं और हैं भी। अभी जनसंख्या आई है ना, तो उसमें जैनियों की संख्या शिक्षितों में 99% आई और दूसरे लोगों की 50% 60% ऐसी आई। इतने हम इतने बड़े लिखे लोग हैं, इतने समझदार लोग हैं, इतना सब बिल्कुल पूरे अप टू डेट है। और अभी खतरनाक बात कहता हूँ, ये जो फैमिली प्लानिंग का झगड़ा है ना, ये सबसे ज्यादा बड़े लिखे लोगों को असर करता है। हम सब अपने छाती पे हाथ रख के विचार करने प्रयास की, आप कितने भाई मैं बन के भाई बहन को बोलो, 5-6 तो है साथ है और 5-6 मर गए हूँ, 15 से कम नहीं होते थे, हम ये भी 4 जिंदा है और 6-7 मर गए थे, इससे कम किसी ने नहीं होते थे। अब 2 या 2 से 3 या 2 से 1 पे आ गए, सबसे ज्यादा शिक्षित लोग अपनाते हैं। मेरी समस्या दूसरी है, मैं कहने वाला बात सुन रहा, मेरी के तो ज्यादा बच्चे पैदा करो और अपने धर्म वाले की संख्या बढ़ाओ, ये भी कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी एक पोजीशन है तो अब संतान पैदा कर देते तो हम जैनियों की संख्या बढ़ा नहीं सकते। और मुमुक्ष लोग तो उनमें फिर 99% है, तो मुक्षु में नहीं, मुक्षु में तो सेंटे परसेंट है। और तब तो ये प्रेमी है सब, गुरुदेव की माने के सुने हुए लोग हैं, तो सबसे ज्यादा आयन का असर है। जाके निरीक्षण करके देखने में लेके घर जला के सब जा जा कर देखते हैं, 40 वर्ष की उम्र के नीचे जितने लोग हैं उनकी किसी दो की दो संतान हुए किसी के ना, तो मुझे नाम बता देना। तो ये मुमुक्षुओं की संख्या कैसे बढ़ेगी मेरी समझ में नहीं। तो मुसलमानों वाला तरीका तो हम अपना नहीं सकते, मैं इसके गाथा के कलश के संदर्भ में बात कर रहा, तो हम क्या करें। और हमारी एक दिक्कत और है कि जितने मुमुक्षु हैं छाती पे हाथ रखकर देखना कि उनका वो जो एक एक बेटा है जो जितने तत्व ज्ञान की रुचि तुम्हें है और तुमने अभ्यास किया है उसको ये संस्कार दिए हैं क्या, कॉम्पिटिशन जी बताओ तुम्हारा क्या। इतनी धरे तुम ठीक कह रहे हो, मान वो उन्होंने बोलो वो सबसे बढ़िया बढ़िया पढ़ाई, बढ़िया पढ़ाई क्या होती है भगवान ने सुने ना, और बढ़िया बढ़िया वो धंधा पानी में लगाना व्यापारी समाज है, तो उनके मुमुक्षुओं की संतान भी मुमुक्षु ही हो, वो भी स्वाध्याय नहीं कर रही तो वो पैदा कर नहीं सकते, और उनको जो है उनको भी हम मुमुक्षु कायम रख नहीं सकते। तो कैसे बड़े मुमुक्षु, और जो आया है उसे जाना तो अवश्य मरना तो है ही है, क्यों तो जितना मरे उतना क्या मोहन
मैं एक एक घर के नाम गिना सकता हूँ कि जो कितने कट्टर मुंशी थे जो हमारे उसको चलाते थे और उनकी आगामी संतान बिल्कुल जीरो है। अभी मेरे को तस्वीर में आ रहा है एक आदमी चार पांच साल में जिंदा रहना चाहता हूँ तो साथ है। अब एक ही रास्ता है कि हमारे जो देश समाज है पूरी उसमें गुरुदेव के स्तर को ज्ञान को हम पहुंचा। हम भी एक दिन ऐसे थे ना, क्यों हम और तुम सब लोग भी ऐसे हैं कि जब गुरुदेव के यहाँ गए थे तो उनकी परीक्षा करने गए थे, देखने गए थे कि कैसा क्या मामला है। क्यों बता रहे डंडे लेके गए थे, लड़ने गए थे और वहां पर लड़के रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि बाकी जो बंदे को मिले हुए वो कारणंत्र है, उनके आवक का रास्ता चालू रहेगा तो मृत्यु रहेगी। वो रास्ता बंद हो गया तो हमको समय में प्रसाद मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे 500 विद्वान विद्यार्थी बन के मिली, अभी उनका सर्वेक्षण करो तो उनमें 500 में मुंशियों के लड़के 200 भी नहीं होंगे, 300 से ज्यादा गैर मुंशियों के लड़के हैं। दक्षिण भारत के हैं कम से कम 25% लड़के और वहां के सब भी मुंशियों के। कोई लगा के देखने में उसको बच्चों का छोटा ना पड़ रहा मेरा नाम और 500 में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो कट्टर मुंशी ना बना हो, उसका परिवार मुंशी ना बना हो, उसके रिश्तेदार मुंशी ना बना हो। एक एक के पीछे कम से कम 20-25 आदमी मुंशी बने तो कितना 500 के साथ कितना मुंशी बनेंगे। ये महाविद्यालय के माध्यम से जो गुरुकुल ग्रंथ सीकर से चलाता है जिसका संचालन हम करते हैं गोडा समाज, उसके माध्यम से इतने नए मनुष्य बने और उनमें वो हैं जितने गुरुदेव श्री के दर्शन नहीं किए। उनके लिए यदि गुरुदेव श्री है तो हम ही है और हमने गुरुदेव श्री का जो उनको उनके पेट में डाला है, गुरुदेव श्री का परिचय जो जैसा हमने कराया है वो ही परिचय हमने गुरुदेव श्री का है। तो रास्ता बंद करने के लिए क्या हो 50 सामने लगाएंगे क्या हम उनको गैर मुंशियों के लड़कों को नहीं होंगी भर्ती करेंगे तो क्या होगा। मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पे हम लोग बैठे हैं ये सब हम मुंशी हैं ना, ये जितने आप मुंशी हैं उन सबके जैसे आपको पकड़ पकड़ के लाए हैं ये सब गैर मुंशी हैं। अरे दस्ती लोग भी अपने रिश्तेदार को पकड़ के लाए तो गैर मुंशी थे कहाँ से। तो कितने गैर मुंशियों को पकड़ के लाए बोलो डॉक्टर साहब, ये सब या के स्तंभ आए थे। मैं कहता हूं कि दीवारें यदि खड़ी हुई तो समझना हमारा नुकसान है, यदि हमारे पास माल है और हम समझते हमारी वाणी में ताकत है हमारी लेखनी में ताकत है गुरुदेव जी का दिया हुआ इतना जो भगवान महावीर की वाणी में आया माल है तो हमें क्या दर जो हमारे यहाँ आया वो तो हमारा बने ही आएगा। ध्यान में आया तो हमारा द्वारा वहां गया तो सारे भी है उसको मुंशियों से गैर मुंशियों को ही आप बना हो तो एक आप मेरे पास लेके आए तो गैर मुंशियों से बने मुंशी बनने वाले। अरे भगवान आते ही आते हैं जाते तो यहाँ से कोई है ही नहीं। घोषणा नहीं हम कर
दरवाजा खुला रखना या बंद करना। कोई भ्रष्ट हो गया तो वो भ्रष्ट हो जाएगा जरा सी बात से तो समझ लेना वो मुंह हुई है, ऐसा मानना नहीं है तो भ्रष्ट क्यों नहीं है। तो हम कहां जाएंगे, कहां प्राणी जाते हैं, वो कहां प्राणी जाएंगे, हम क्यों भ्रष्ट नहीं है। तुम्हें ये गुमान है कि तुम उनके भले गुरुदेव का सबसे ज्यादा आशीर्वाद हमने प्राप्त किया है। आज यदि कोई जिंदा लोग हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त कोई व्यक्ति है तो वो हम, और हमें उनके तत्व ज्ञान को जन-जन तक जितना पहुंचाया है वो हम है और कोई दूसरा नहीं। जो आज एक लाख उनके वो जो हमारे इतने दिनों से गुरुदेव के जमाने से जिस नीति नीति से हम चलते आए हैं, जिस नीति नीति के भरोसे इतने हम हिंदू में और राजों में भर रहे हैं, उसके विरुद्ध कोई नीति नीति समाज के लिए घातक सिद्ध होगी। हमारे यातायात को कहते हैं सारा लोग आगे इसमें निर्भर होगा। बहुत गंभीरता से ये बात सोचने की है भैया, ये कोई साधारण बात नहीं है। आज मुझे ऐसी आवश्यकता महसूस हो रही है इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो गाँव गाँव में जाकर के मैं ये बात समझाऊंगा लोगों को, लिखकर के जरूरत पड़ेगी तो लिख के समझाऊंगा। और मैंने एक किताब लिख रहा हूँ, मैंने सारे आंकड़े तैयार किए हैं कुछ गुरुदेव से लेकर के आज तक के पूरे आत्मधर्म निकाल के विद्या विद्या निकाल के निकाल के समाचार सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन कब कब गया है और कहाँ कहाँ कौन कौन कब कब का आया है। हम ये दरवाजा खोल के कितना हमारा दरवाजा कानून का खुला है, इसके लिए मैं पूरी किताब लिख रहा हूँ, ये किताब छपा करके ये मैं पूछू सब मिल सकता। क्या है ब्रह्म का स्वरूप, कैसे जाएगा, ये तत्व ज्ञान हमें कैसे मिला। ये तत्व ज्ञान हमें ऐसे मिला खुले थे हमेशा, जो 25,000 लोग बन के लेने में गए थे सोम रहे हैं 74 में, वो सब मुंशी थे, बेला से भी मुंशी थे, जिन वाला भी मुंशी थे, नीरज मुंशी था जिसने स्टेज पर खड़े होकर के वहां बोले था, मानक जी चले मुंशी थे, क्या है हमारा इतिहास, गुरु गोविंद सिंह ने क्या नीति अपनाई, क्या नीति है, क्या नीति है जिसके दम पर ये हम आज हिंदू में राज करने बड़े हैं। अपनी मुट्ठी भर लो यदि उसको राज्य को बदलना चाहते हैं तो मुख्य समाज को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि कभी कोई रास्ते में जाने की जरूरत नहीं। हम तो हमारे आचार्य तरफ कहते हैं कि सारा लोग उन्हें को ये भव्य एक ऐसा किया था, हे भव्य जीवो, हे भव्य जीवो, हे भव्य जीवो, ऐसा कुछ नहीं किया, भव्यों की क्यों मान ले भैया, अब हम लोग क्यों कैसे देते हैं, सोने मुझे ऐसा बहुत अच्छा जवाब दिया, एक भी दो भी को उपदेश क्यों नहीं देते हैं, भव्य भी है तो हम लोग शैली करते नहीं कोई उपदेश क्यों देते हैं, करके जो समझते हैं हमें तो उन्होंने कहा कि उनका कल्याण तो सोने से हो जाएगा, लेकिन एक इंद्रिय अधिक का कल्याण कैसे होगा, भगवान की दिव्य ध्वनि से तो सबका कल्याण होगा ना, कहना होगा कि वो श्रेणी पंचेंद्री है उन्हें हम ये समझाएंगे कि इनमें भी जीव है, आलू में अनंत जीव है तो इसे खाओ ना तो इससे उनका भी हिंसा होने से रुक जाएगी। हम समझाएंगे सत्य बल्ली में भी जीव है, कीड़े मकोड़े में भी जीव है, मक्खी मच्छर में भी जीव है, तो मुझे मारो मत तो उनकी तकलीफ कम हो जाएगी ना,
वे भी समझते, हम समझने वालों को ये समझाएंगे। इसलिए कहते भाई कि वस्तु का स्वरूप क्या है और हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, हमें इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। देखो इस हे भक्त जन, इस लोक के सब एक साथ नहारिए और इसे ही अपनाइए, इसमें मन हो जाए। देखो जितने भी अंतर जो खड़े हैं वो 90% रिचुअल्स के हैं, इन जमानों के बीच में रिचुअल्स होते हैं कि पूजा पाठ है। उत्तर भारत का जो है दक्षिण भारत का उत्तर भारत का लड़ा जो तेरा मन की संख्या लड़ा है वो रिचुअल्स का मुख्य है, जो एकदम सामने हमारी छाती का आगे होता है, फूल पत्ती का चढ़ाना ही करना ही करना ही करना सोनिए ना फिर और बातें भी है। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि हम उनको गुण करें माने एनर्जी में अपना लें, ये उन्हें हम तत्व ज्ञान सिखाएं, यदि हम उन्हें तत्व ज्ञान सिखाएं तो तत्व ज्ञान को सीख लेंगे तो वे जीने में गारंटी से अपने आप छोड़ देंगे। लेकिन पहले से उन्होंने रिचुअल्स पे ही आक्रमण किया तो वो हमारे पास आएंगे ही, कुछ बुझे स्वीकी का कारण उन्होंने भगवान आत्मा की बात कही, उन्होंने साफ तत्व की बात कही, उन्होंने छह दृढ़ की बात कही, उन्होंने आत्मा परमात्मा की बात कही, तो उसमें कोई झगड़ा था ही नहीं, सब में अध्यात्म तो मूल में वही है, अध्यात्म है ही कहाँ, जाने देते तो ये लोग जो हमारे गुरु जैसे महापुरुष हैं, वे लोग भी दिगंबर कैसे बनते, तो उनने तो बाड़ा वहां भी नहीं खींचा और हम दिगंबरों में नहीं पंथों में ऋषियों में सौंदर्यों में, मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ हम एक भजन बहुत प्रेम से गाते हैं, हे महावीर आना पड़ेगा, बहुत गड़बड़ हो गई है कि दुनिया को संभालने के लिए अब तो कहते भगवान ने बचा, भगवान से कहते हैं कि एक बार तो आना पड़ेगा और सोते हुए जैनियों को जगाना पड़ेगा। जैनियों के भगवान तुम्हारी जिंदगी मान लो सुनी, और भगवान महावीर ने कहा सुनना क्या कहना चाहता हूँ, क्या कहा मैं आने को तैयार हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम एक मत से एक नक्की करके भेजो कि मैं कहाँ आऊँ, कहाँ का मतलब समझे जिन्हें उन्होंने यहाँ से जितना मालूम है, तो क्या हम निर्णय कर सकते हैं, निर्णय करके हमें बता सकते हैं कि तुम मैं आओ। इंदिरा गांधी ने कहा था ऐसा जरूर दिल्ली में निकालो भगवान महावीर मंदिर में कि दुनिया देखती रह जाए।